महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का लिखा ये खत इस बात का सबूत है कि उन्हें सत्ता से ज्यादा देश प्यारा है, इसलिए उन्होंने अपने गठबंधन में शामिल महाराष्ट्र के कद्दावर नेता अजीत पवार के फैसले पर सवाल उठाने से भी परहेज नहीं किया। महाराष्ट्र की सत्ता में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कोहराम मच गया है और ये कोहराम मचा है देवेंद्र फडणवीस के एक पत्र से, जिन्हें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि नवाब मलिक को महायुति में शामिल ना किया जाए। गौरतलब है कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जमानत पर बाहर आए महाराष्ट्र विधानसभा सदस्य और पूर्व मंत्री नवाब मलिक विधानसभा परिसर में एक साथ नजर आए थे और उनके बीच बातचीत भी हो रही थी। 7 दिसंबर को नवाब मलिक महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधान भवन परिसर में अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट के सदस्यों के साथ बैठे थे। मलिक का अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के सीनियर नेता अनिल पाटिल ने स्वागत किया। इस बात को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने लेटर लिखकर कड़ा एतराज जताया है। उन्होंने कहा कि नवाब मलिक पर लगे आरोप गंभीर हैं और ऐसे में उन्हें महायुति में लेना सही नहीं होगा। इस पत्र में फडणवीस ने लिखा कि सत्ता आती जाती रहती है पर देश उससे ऊपर है। नवाब मलिक को अभी सिर्फ मेडिकल आधार पर जमानत मिली है, वो दोष मुक्त नहीं हुए हैं। इस स्थिति में उनको महायुति में रखना उचित नहीं होगा। हालांकि उनसे हमारी कोई व्यक्तिगत शत्रुता नहीं है। फडणवीस ने इस पत्र में अजीत पवार से कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि उनकी भावनाओं का आदर किया जाएगा। फडणवीस ने यह भी लिखा है कि उनकी पार्टी में कौन शामिल होगा और कौन नहीं ये फैसला आपको करना है, लेकिन नवाब मलिक के आने से पार्टी को नुकसान हो सकता है। नवाब मलिक महाविकास अघाड़ी सरकार में मंत्री थे, लेकिन हमारी सरकार महाविकास अघाड़ी की तरह नहीं है। साफ है देवेंद्र फडणवीस अपनी और अपनी पार्टी की छवि को लेकर बेहद सतर्क हैं और उनके लिए सत्ता से ज्यादा पार्टी और देश की छवि ज्यादा जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नमामि भारत।